नमस्कार फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मिस्टर कौशल अपने चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ये है नई बजाज प्लैटिना जो लॉन्च हो चुकी है। इस पे लिखा है एच गियर 110। एच का मतलब यहाँ पर हाई है। वो हाई कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप इसकी फ्यूल टैंक देख सकते हैं। फ्यूल टैंक पे लिखा है प्लैटिना का लोगो। ये प्लैटिना का जो लोगो है ये 3D है। अब आप इसको हाथ से छू के महसूस कर सकते हैं। ऐसा आप बजाज पल्सर के अंदर पहले देख चुके हैं। अब मैं इसका स्विच ऑन करता हूं और इसके मीटर के बारे में आपको बताता हूं। तो इसका जो मीटर है उसके अंदर जो स्पीडोमीटर दिया गया है वो एनालॉगिक है। आप इसमें ये सुई लगी हुई देख सकते। यदि इसके अंदर सुई ना होती तो ये डिजिटल स्पीडोमीटर होता, लेकिन फ़िलहाल ये एनालॉगिक स्पीडोमीटर है। आप चलते हैं दूसरी डिस्प्ले की तरफ। दूसरी डिस्प्ले में आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है गियर। गियर का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस बाइक के गियर चेंज करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपको इसके अंदर वो दिखाई देंगे कि आपकी बाइक किस गियर के अंदर चल रही है। उसके आगे लिखा है फ्रेंड्स लो बैटरी। लो बैटरी का आपको यहाँ पर इंडिकेटर ये तब दिखाई देगा जब आपकी बाइक की जो बैटरी है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी। तो आपको जब आप अपनी बाइक का स्विच लगाएंगे तो आपको यहाँ पर लो बैटरी का सिग्नल दिखाई देगा, ये लाइट बंद होने के बाद। तो उसके नीचे लगा है एक चाबी का निशान, जो चाबी का निशान आपको दिखाएगा कि आपकी जो बाइक जब सर्विस की हो जाएगी तो आपको यहाँ पर ये चाबी का निशान दिखाई देने लगेगा कि आपकी जो बाइक है वो सर्विस की हो चुकी है और बाइक की अब सर्विस करा लीजिए। तो उसके आगे नीचे है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर AM और PM भी लिखा है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये है आपकी बाइक में वॉच लगी हुई यहाँ पर, जो आपको बताएगी कि इस समय जो है वो कितने बजे हैं, 10 बजे हैं या 11 बजे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको बार बार अब अपने घड़ी या मोबाइल में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बाइक लेके चलेंगे आपको ये टाइम दिखाती रहेगी। और उसके नीचे है फ्रेंड्स ओडोमीटर। ओडोमीटर के यहाँ पर आपको किलोमीटर दिखाई देंगे कि आपकी जो बाइक है वो कितना किलोमीटर चल चुकी है। और फ्रेंड्स हाँ, इसमें ट्रिप मीटर भी दिया गया है। ये साइड में एक बटन लगा है ब्लैक रंग का, ये वाला। तो यहाँ से आप इसकी कुछ फंक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका जो टाइम जो है वो गलत चल रहा है बाइक का, तो आप इसको टाइम को सेटिंग यहीं से कर सकेंगे। और ये जो सर्विस इंडिकेटर है जो आपको सर्विस दिखाएगा कब आपको सर्विस करानी है, उसको भी आप रिसेट यहीं से कर सकेंगे। ये रिसेट बटन है। और जब आपका इसमें ट्रिप मीटर भी दिया गया है, जब आपको जो आपको बताएगा कि आपकी कई बार हमें एवरेज वगैरह देखनी होती है, तो आप ट्रिप भी किलोमीटर को यहीं से कर सकेंगे। और यहाँ पे नीचे आगे लगा है फ्यूल मीटर, जो आपको बताएगा कि आपकी बाइक के अंदर कितना फ्यूल है, कितना ईंधन अभी बचा हुआ है। तो ये था इसका जो मीटर थे उसके सभी फंक्शन। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आप स्विच ऑन कर लेंगे, लाइट एक बार जलने के बाद ये डिस्प्ले नॉर्मल दिखाई देगी, ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए इसके गियर चेंज करके देखते हैं क्या यहाँ पर आता है। देखिए फर्स्ट गियर जब मैंने डाला तो यहाँ पर एक आ गया। अब मैं जैसे सेकंड गियर डालता हूँ तो यहाँ पर दो आ जाता है, और ऐसे ही जब मैं थर्ड गियर डालूंगा तो 3 आएगा। अब वो जो एच वाली समस्या है वो आपकी दूर होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 गियर के बाद आ गया एच। ये आपको बताएगा कि भाई हाई स्पीड में है इस समय आपकी बाइक का जो है 5वां गियर डल चुका है। यहाँ पर आपको एच दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है एच। ये तभी आपको दिखाई देगा जब आपकी बाइक हाई स्पीड में होगी, यानी कि 5th गियर के अंदर होगी। तो ये था वो एच गियर, जिसका मीनिंग यहाँ से आपको पता लग गया, जो आपको यहाँ पर एच का निशान दिएगा। जब ये न्यूट्रल हो जाएगी तो यहाँ पर एन आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एन आ चुका है। अब देखते हैं इसके अंदर जो पासिंग लाइट है वो भी दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन दिया गया है जिससे आपको पासिंग में मदद मिलेगी। आप चलते हैं थोड़ा इसके आगे। यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इसके अंदर, जो देख सकते हैं इस बाइक में अब हो चुके हैं डिस्क ब्रेक। अब ये आपको डिस्क ब्रेक में मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा एंटी स्किड ब्रेकिंग। यहाँ पर ये बहुत बड़ा बदलाव है, एंटी स्किड ब्रेकिंग। ये पहली बार मेरे हिसाब से किसी कंपनी ने किया है जो करके दिखाया है बजाज ने। बजाज ने बहुत ही एडवांस करती है कुछ काम, देख सकते हैं। जैसे मैं पिछले ब्रेक दबाता हूँ तो यहाँ पर देखें, ये देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जब पिछले के आप ब्रेक दबाएंगे तो आपका जो डिस्क ब्रेक है वो भी थोड़ा काम करेगा। आगे जो बदलाव हुआ है थोड़ा वो हुआ है इसके कार्बोरेटर के अंदर, लेकिन जिसका कार्बोरेटर है वो अब ऐसा हो गया है जैसे बजाज पल्सर में आता था। ये नॉर्मल कार्बोरेटर अब इसके अंदर नहीं है। ये जो है जो कार्बोरेटर है
वो बजाज पल्सर टाइप हो चुका है। इसकी सीट में बदलाव किया गया है, देखिए ये लाइनें हैं यहाँ पर, ये लाइनें आपको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा जब आप इस बाइक को चलाएंगे, आपको थोड़ा पिछवाड़े में थोड़ा दर्द कम होगा जब आप लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। तो चलिए अब इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इसका एक खासियत है फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसकी लाइट ऑन करेंगे तो ये बैटरी के साथ है, आप देख सकते हैं इसकी जो लाइट है और जो DRL LED लाइट लगी है DRL वो, और मेन लाइट जो है वो बिना स्टार्ट किए ही चल जाएगी। कुछ लोग यही बात सोचते हैं कि भाई ऐसा हो तो बड़ा अच्छा हो, ये इसके अंदर इन्होंने कर दिया है। और इसका जो पीछे ड्रम है वो 130 mm की है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो टायर लगे हैं वो टायर हैं ट्यूबलेस, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो टायर हैं वो ट्यूबलेस हो चुके हैं। और अब थोड़ा मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो सोकर हैं वो दिए गए हैं नाइट्रोक्स। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जब इस बाइक को खरीदें, देखिए इसका जो नया सोकर है वो लीकेज है, ये लीकेज का निशान है, तेल लीकेज हो रहा है। तो ये आप जब इस बाइक को खरीदें तो थोड़ा ध्यान दें, मैं तो फिलहाल इसका वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप जब खरीदेंगे तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ से मदद मिलेगी, इसका सोकर जरूर चेक कर लें लीकेज ना हो ऐसे। और इसमें फ्रेंड्स जो इसकी जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो इसकी बैकलाइट जलने लगती है, सामने DRL लाइट है वो तो जल ही रही है LED, लेकिन इसके साथ बैकलाइट भी जलती है। शायद थोड़ा बैटरी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन चलो जो कंपनी ने किया होगा थोड़ा सोच समझ के ही किया होगा। कुछ लोग की डिमांड होती है कि भाई इसका जो गियर चेंज करने का लीवर है, जिसको हम गियर लीवर बोल देते हैं, वो पल्सर टाइप बड़ा अच्छा लगता है। तो भाई उन लोगों की वो इच्छा यहाँ पर पूरी कर दी गई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।